वंदे भारत को दिल्ली वाराणसी कवर करने में 8 घंटे लगते हैं, 8 और 8 में आकर के वापस भी आ जाएगी, यानी कि 16 घंटे में वो गाड़ी अपना आना जाना कर लेगी, ठीक है। इस गाड़ी को अकेले 17 घंटे लगेंगे। भाई साहब, ये गाड़ी जितनी ज़्यादा स्लो है ना, मेरे को नहीं लगा था कि नई दिल्ली से 11:35 में निकलेगी, मतलब जो इसका शेड्यूल टाइम है उस पर निकलेगी, बट गाड़ी ने डिपार्चर एकदम टाइम पे ले लिया है। तो बाबा नई दिल्ली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो है गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और टाइम हुआ है 12:14, थोड़ी बहुत गाड़ी लेट हुई है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बोर्ड कर रहे थे बट वो चढ़े नहीं, तो मे भी हो सकता है वो यहाँ से चढ़े। अभी कुछ लोगों की बोर्डिंग चल भी रही है, मैं अपने कोच के बाहर ही बैठा हुआ था और अभी खड़े खड़े इसको लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका स्लो वाला वेरिएंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम हापुड़ वाले रास्ते पे निकलेंगे, जहाँ हम तिलकुआ हरदोई सब जगह छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी गाड़ी। इस ट्रेन में भीड़ जो है ज़्यादा होती है जनरली, इसके कारण से मैंने ट्रेन का जो है 2nd AC लिया था, अदरवाइज मैं 3rd AC भी ले लेता इसका। तो अपनी गाड़ी अभी जो है पिलखुआ नाम के एक स्टेशन पे पहुंच गई है, ठीक है, और मतलब 5-7 मिनट का डिले समझ लो, और नॉर्मल टाइम से इतना हुआ होगा। और जस्ट इस ट्रेन को 17 घंटे जो लगते हैं ना, वो ऐसे ही स्टेशनों पर रुक रुक के चलने के कारण लगते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे ये गाड़ी जो है अपना सफ़र कंटिन्यू करती है और आपको पहुँचाती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 35-36 के अराउंड इसके जो है स्टॉप्स हैं दिल्ली से वाराणसी के पूरे रास्ते के अंदर। तो ये हमारा पिलखुआ से डिपार्चर हो गया, और घर से कुछ खाना लेकर के आया था आज, तो ये कुछ पनीर की सब्ज़ी है, साथ में मम्मी ने कुछ रोटियां भेजी हैं। बहुत वक्त के बाद आज घर का खाना ट्रेन में खा रहा हूँ। अमूमन जो भी होता है या तो बाहर का ही खाना होता है, घर का मुश्किल ही हो पाता है, आप जानते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी जो है गढ़मुक्तेश्वर पहुँच गई है, इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज आता है काफ़ी बड़ी, वहाँ पे गंगा नदी वगैरह जो है आती है, तो वो देखने में बढ़िया लगती है। फिर आएगा आपका गजरौला जंक्शन आएगा बेसिकली, जहाँ पे कुछ गाड़ियों का रिवर्सल होता है, हो सकता है कोई गाड़ी इसको वहाँ ओवरटेक कर जाए। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी एक और छोटे से 2 मिनट के हॉल्ट के लिए पहुंच गई है गजरौला जंक्शन। कोटद्वार नजीबाबाद की तरफ जाने वाली लाइनें यहाँ से जो है कटती हैं, तो अगर आपकी ट्रेन कभी कोटद्वार नजीबाबाद की साइड जा रही होगी तो यहाँ पे वो आएगी दिल्ली से, उसका यहाँ पे होगा रिवर्सल, फिर वो गाड़ी पीछे की तरफ को जो है निकलेगी। एज़ यूजुअल ट्रेन में कोई, मतलब मेरे 2nd AC कोच में कोई खास भीड़ नहीं है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा वॉशरूम वगैरह को लेकर के, भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी अच्छी मेंटेनेंस गाड़ी से 2nd AC में। कहीं ना ये चीज़ क्लैरिफाई होती है इस बात से कि भाई लोग को सुधरना पड़ेगा, लोगों को ठीक होना पड़ेगा। रेलवे अपनी तरफ से जो है आपको हर अच्छी से अच्छी चीज़ जो है मुहैया करा रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ दोस्तों हमारी गाड़ी जो है पहुँच रही है मुरादाबाद जंक्शन, और यदि आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ आपके पास खाने पीने को नहीं है, वैसे तो ट्रेन में आराम से मिल जाता है पानी वगैरह, बट स्टिल अगर आपको स्टेशन वगैरह से ख़रीदना है तो ये एक बड़ा स्टेशन इस रास्ते में पड़ेगा, ट्रेन यहाँ रुकेगी भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पर आप चीज़ें वगैरह जो आराम से ख़रीद सकते हैं।
और रेलोफाई से जो मैंने ऑर्डर करा था वो आ चुका है। एंड एक अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी रेलोफाई के मैटर में, ये हॉनेस्ट ओपिनियन है, कोई पेड वाली बात मैं नहीं कहूँगा, रेलोफाई हॉट प्लेट करके इन्होंने ना अपनी कस्टमाइज पैकिंग के अंदर भेजा है, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत सी मैंने आज से पहले जिनके साथ भी काम करा है इसी ऐप्स के साथ, वो उसी रेस्टोरेंट की पैकिंग के अंदर ही दे देते अपना सामान, इन्होंने कस्टमाइज पैकिंग में दिया। ये मुझे एक और अच्छी चीज़ लगी एक ब्रांड की तरफ से कि वो अपने कस्टमर का एक्स्ट्रा ध्यान दे रहा है। क्रू वगैरह चेंज हो गया यहाँ से हमारा, देखते हैं कब निकलेगी, अभी चलते हैं अंदर बैठते हैं चलते। तो जी हमारी ट्रेन मुरादाबाद से भी निकल ली है और हम निकलेंगे रामपुर बरेली की साइड। तो हमारी ट्रेन अभी मुरादाबाद के एक प्लेटफॉर्म से निकली, अब देखो घूम करके दोबारा एक और प्लेटफॉर्म को स्किप करेगी। भाई ये तो पूरा प्लेटफॉर्म स्किप करेगी धीरे धीरे। तो दोस्तों मुरादाबाद जंक्शन से निकलने के बाद आती है ये राम गंगा नदी, बहुत ही बड़ा ब्रिज है दोस्तों इसका, और इस ब्रिज के पार करने के बाद जो है रास्ते दो जगह डाइवर्ट होते हैं दोस्तों, एक जाएगा रामपुर की तरफ जिस पे हम जो है चलने वाले हैं, और एक रास्ता जाएगा आपका रामनगर और काशीपुर की तरफ। बोलो जपनाम, किस किस को समझ में आया ये बताना जपनाम के बारे में। दोस्तों मेरी लाइफ का ना अभी तक का सबसे बेस्ट अराइवल रहा है जो अभी मैंने देखा है रामपुर के ऊपर। देखो इस रूट से ना आज से पहले, इस स्टेशन से आज से पहले जब भी गया हूँ, दिन में आज मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ओवरनाइट ट्रेनों में ट्रैवल करा है जो भी रही है, जैसे लखनऊ एसी भी यहीं से जाती है आपकी और लखनऊ मेल भी यहीं से होकर जाती है, तो इन सब के जो है ये सब ट्रेनें रात में कवर करती है, और रात में मैंने कभी वीडियो बनाते हुए ट्रैवल नहीं करा। बड़ा सही लग रहा है यार स्टेशन, छोटा सा छोटा ही स्टेशन कहेंगे इसको, बड़ा स्टेशन तो मैं नहीं कहूँगा, और कुछ लोगों की यहाँ से जो है बोर्डिंग हुई है, अभी तक ज़्यादा कुछ बोर्डिंग भी खास नहीं हुई थी। तो अपने छोटे से हॉल्ट के बाद निकल चले हम लोग रामपुर से भी, और रामपुर के नाम से क्या फेमस है रामपुर में ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताना यदि कोई ये वीडियो को रामपुर से देख रहा है तो। एंड अभी तक ट्रेन का डिले भी कोई खास हुआ नहीं है, मतलब 10-15 मिनट के आसपास ही ट्रेन डिले है, ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक है आपको रामपुर का डिपार्चर दिखाते हैं थोड़ा सा। तो भाई जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं रामनगर से निकलते ही गाड़ी जो है रुकना शुरू हो गई है, हॉन्क बज गया वापस निकलने का। तो दोस्तों आज की जर्नी का जो खाना है वो रेलोफाई ने भेजा है, तो दिस फूड इज़ स्पॉन्सर्ड बाय रेलोफाई। तो जो ऑर्डर करा है वो देखते हैं, काफ़ी अच्छे से जो है पैकिंग वगैरह करके दिए उन्होंने, तो यहाँ पर थोड़ा सा सैनिटाइज़र भी लगा रखा है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी कस्टम पैकिंग के अंदर आता है, इसको फटाफट से ओपन करते हैं और अंदर का आपको मेन कंटेंट दिखाते हैं। Two hours later. दोस्तों यहाँ हमारी गाड़ी जो है लखनऊ पहुँच गई है, और मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कहोगे, 9 बजे आना था, 9:30 तक आ गई, विच इज़ ओके यार। ये गाड़ी वरना नॉर्मली ना बहुत बहुत ज़्यादा लेट कभी कभी हो जाती है यहाँ पहुँचने में। रेलोफाई से डिनर आ गया फिर से, मतलब पहले चेक करने के लिए मंगवाया था कि मुझे स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ठीक लगा तो मैंने डिनर मंगवा लिया दो लोगों के लिए, तो डिनर आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में।
साथ में हमारे को पैसेंजर, उनका बर्थडे है, तो छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन में दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए जी फटाफट से हमारी रेलोफाई की थाली जो है ओपन कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी एंड जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कस्टमाइज पैकिंग के अंदर जो है लोग देते हैं अपना भारी। आप देख सकते हैं मेरी पैसेंजर डिटेल्स वगैरह जो है लिखी हुई है, तो आप जब भी ऑर्डर लें तो वहाँ से एक बार कंफर्म कर लें कि आपके पास आपका ही खाना आया ना, किसी और का तो नहीं आ गया। ये एक और अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारा जो है खाना है जिसमें दो थाली है और एक वेज बिरयानी हमने जो है ऑर्डर करी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है फटाफट से दो मिनट के लिए इनकी ऐप भी दिखा देता हूँ कि आप ऐप का इंटरफेस जो है किस तरीके का है। बेसिक सा है, आप अपना जो खाना है ऑर्डर करना है वो आप स्टेशन, PNR या ट्रेन नंबर, तीनों में से किसी भी ऑप्शन से जो है कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास टिकट है तो PNR से भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस आप डिलीवरी स्टेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इस तरह से जिस भी स्टेशन पे आपको चाहिए खाना वहाँ पे आप जो है अपने लिए मंगवा सकते हैं। दोस्तों साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो है फूड ऑर्डर इन ट्रेन, बुक ट्रेन टिकट या अदर जो भी फैसिलिटी ये लोग ऑफर करते हैं वो आपको जो है मिल जाएगी। और जिस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो उसका रनिंग स्टेटस भी आप जो है इनकी ऐप पर ही चेक कर सकते हैं। तो ये जो है थाली अंदर से आपकी दिख सकते हैं, जिसमें आपका एक दाल है, दो सब्जियाँ हैं, चावल है, रायता है, सैलड है एंड मीठा है। ठीक है, एंड सब देखने में क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज एक विजुअल अपीयरेंस तो बहुत ही अच्छी है थाली की, एंड टेस्ट वाइज भी खाना जो है काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद मैं आपको जो है दिखाया था उसकी वेज बिरयानी कि वो किस तरीके की है। तो ये वेज बिरयानी है जो कि वेज बिरयानी जैसी दिख रही है, पुलाव नहीं दिख रहे हैं, एटलीस्ट मेरे को तो देखने में थोड़ी अच्छी ही लग रही है। रात के 12:08 हो गए और हम पहुंच गए अमेठी स्टेशन। भारत की पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ कई लोगों का संसदीय क्षेत्र है, राहुल गांधी जी का भी आई थिंक संसदीय क्षेत्र यही है इस समय, वो है स्मृति ईरानी। भाई रात को यार ये स्टेशन सुनने को सन्नाटा लग रहा है, बट अच्छा है यार, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। लगभग आज से ना एक साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था तभी स्टेशन बन रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छे से बन आ गया और मस्त हो गया। फोटो खींचते यार और अपने। तो दोस्तों अभी जो है लेट नाइट भी देखिए, यहाँ पे जो रेलवे पुलिस होती है वो अपनी ड्यूटी जो है दे रही है। ठीक है, और सर से हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, कि रेलवे में किस तरह सिक्योरिटी को जो है मेंटेन करा जाता है रात के समय भी। एंड सर ने बताया था हमको कि भाई बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं और गेट जो है खुला छोड़ देते हैं, तो जिससे चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब लोग सेकेंड एसी वगैरह में ट्रैवल करते हैं, कर्टेंस वगैरह लगा के ट्रैवल करते हैं, तो लोग अपने एक प्राइवेट स्पेस के अंदर होते हैं, लोग एकदम ये समझ वो एकदम सिक्योरिटी से सो रहे होते हैं, उनको लगता है एकदम सब कुछ सेफ है। बट यहीं अगर आप गेट वगैरह खुले छोड़ देंगे तो दिक्कत जो है हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ऐसा ना करें। और यहां हम जो है प्रतापगढ़ पहुंचने वाले हैं, जिस रेलवे स्टेशन का नाम भी अभी अभी जो है चेंज किया गया है। Two hours later. Very good morning to all of you. And सुबह के time कितना हो गया, मेरी घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है। 5:05 हो गए हैं। Feeling ऐसी आ रही है कि हम लोग वाराणसी पहुँच गए हैं, बट नीचे उतर के देखा है तो अभी लोटा रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ से वाराणसी 7 किलोमीटर अभी बचा है। ठीक है, सो अभी एग्जैक्टली नहीं पहुँचे हैं। तो जी लगभग 1 घंटा से भी ज़्यादा देरी से ये गाड़ी अब जो है बनारस पहुंच चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एरी, ये इधर जो देख रहे हो ना किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है वहाँ पे, और ये इधर जो देख रहे हो ना जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ ये खड़ा है रेक अभी काशी पटना जनशताब्दी का, इसकी पावर अभी तक लगी नहीं है। और ऐसा कुछ नज़ारा है स्टेशन का। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।